हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वाउ स्किन साइंस विटामिन सी प्लस फेस सीरम का रिव्यू। आप लोगों के साथ मैंने ऑलरेडी विटामिन सी का जो सीरम है उसका रिव्यू शेयर किया है, आप यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। लेकिन विटामिन सी प्लस मैंने देखा कि उन्होंने लॉन्च किया है, एंड विटामिन सी प्लस एंड विटामिन सी का जो कंपैरिजन है वो मैं करने वाली हूँ। सो इन दोनों सीरम में कौन सा वाला बेटर है या फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों ही तो विटामिन सी सीरम है, लेकिन इसमें प्लस क्यों है? सो मैं सब कुछ इस वीडियो में कंपेयर करने वाली हूँ। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो। सो दोनों ही विटामिन सी सीरम है जिसमें 20% विटामिन सी है। ये सारे सीरम्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड वाउ स्किन साइंस के सारे प्रोडक्ट्स में ही कोई हार्श एंड हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, जैसे पैराबेंस, सिलिकॉन्स, मिनरल ऑयल। एंड दीज टू सीरम्स आर सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। मतलब अगर आपकी स्किन ऑयली, सेंसिटिव, ड्राई एंड कॉम्बिनेशन है या फिर एक्नी प्रॉन भी है तो भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों की पैकेजिंग सिमिलर है और अभी आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से एक पंप सिस्टम में आता है। तो ये है विटामिन सी सीरम, ये है इसकी कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी की अगर हम लोग बात करें तो दोनों सीरम्स की कंसिस्टेंसी ऑलमोस्ट सेम है। जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस मुझे लगा है, ऑलमोस्ट दोनों ही वाटरी कंसिस्टेंसी में है, लेकिन जो विटामिन सी प्लस है उसका थोड़ा सा थिकनेस मुझे ज्यादा लगा, वो थोड़ा सा थिक है एज कम्पेयर टू विटामिन सी सीरम। तो विटामिन सी प्लस थोड़ा सा थिकर है। अब बात करते हैं प्राइसेस की। तो विटामिन सी सीरम जो है उसका प्राइस है 699 रुपीज फॉर 30 ml, और जो ये विटामिन सी प्लस है इसका 30 ml का प्राइस है 899 रुपीज। बट आपको ये डेफिनेटली डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगी। मैंने इन प्रोडक्ट्स को वाउ स्किन साइंस के ऐप से जाकर परचेज किया है। आप गूगल प्ले स्टोर से उनके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और ऐप पर परचेज करना बहुत ही ज्यादा इजी है, हैसल फ्री है। ऐप को एक्सेस करना भी काफी इजी है क्योंकि ऐप पर अलग अलग से कैटेगरीज है लाइक स्किन केयर, हेयर केयर, कॉम्बो किट्स, तो प्रोडक्ट सिलेक्शन बिकम्स इजियर। ऑल्सो अगर आप ऐप से परचेज करते हैं तो आपको डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स भी मिलते हैं खूब सारा। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ शॉपिंग फ्रॉम देयर ऐप। तो जो ऐप डाउनलोडिंग लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूंगी। ऑल्सो जो प्रोडक्ट परचेजिंग लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है, मेक श्योर यू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो ये जो सी प्लस है इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा क्यों है? सो लेट्स टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट। तो इंग्रेडिएंट्स में अगर विटामिन सी सीरम की बात करें तो इसके अंदर है विटामिन सी, विच हेजल, हाइलुरोनिक एसिड। अगर विटामिन सी प्लस की बात करें तो इसमें भी सेम ही इंग्रेडिएंट्स है, विच हेजल है, हाइलुरोनिक एसिड है, विटामिन सी है, लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट है विच इज फेरुलिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन 1%। तो फेरुलिक एसिड इसके अंदर होने की वजह से इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इन इंग्रेडिएंट्स का क्या क्या फायदा है हमारे लिए। विच हेजल के कई सारे स्किन बेनिफिट्स है, वो इंफ्लेमेशन को रिलीव करता है, पोर को टाइटन करता है, अगर आपके फेस में किसी भी तरीके का बम्प्स है तो उसे ठीक करता है, इनफैक्ट एक्नी को रिड्यूस करने के लिए और स्किन से एक्सेस ऑयल को रिमूव करने के लिए भी काफी अच्छा एक इंग्रेडिएंट है विच हेजल। हाइलुरोनिक एसिड हम सबको पता है कि स्किन के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमें अपने स्किन के रूटीन में हाइलुरोनिक एसिड को इंक्लूड करना चाहिए, उससे स्किन स्मूथ होती है और रिंकल की प्रॉब्लम काफी ज्यादा रिमूव हो जाती है। इनफैक्ट अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपके स्किन में डेफिनेटली हाइलुरोनिक एसिड को इंक्लूड करना जरूरी है। विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से वो स्किन सेल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्री रेडिकल डैमेज से। इनफैक्ट वो स्किन को काफी ज्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, रेडियंस प्रोवाइड करता है, ब्राइटन करता है स्किन को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेरुलिक एसिड जो कि सिर्फ और सिर्फ विटामिन सी प्लस सीरम के अंदर प्रेजेंट है। फेरुलिक एसिड एक्चुअली एक स्किन पर बैरियर की तरह काम करता है जो स्किन को हील करता है। इनफैक्ट डार्क स्पॉट्स, इन्फ्लेमेशन, अनइवन स्किन टोन को भी रिड्यूस करता है। फेरुलिक एसिड में एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी है।
इसके अंदर विटामिन सी के साथ फेरुलिक एसिड है, जिसका मतलब फेरुलिक एसिड विटामिन सी का जो फंक्शन है, उसका जो काम है, उसे एनहांस करता है, उसे और अच्छी तरीके से करने देता है। सो ओवरऑल इन सीरम्स को इस्तेमाल करके आपके फाइन लाइंस की प्रॉब्लम रिड्यूस हो सकती है, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, और अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप इन सीरम्स को डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट इन सीरम्स को इस्तेमाल करके आपकी स्किन काफी ज्यादा रेडियंट, ग्लोइंग एंड ब्राइटन हो जाती है। सो रेगुलर बेसिस आपको इन सीरम्स को इस्तेमाल करना है। आप दिन में दो बार इन सीरम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग डे टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस सीरम को इस्तेमाल करने के बाद सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें, और अगर आप नाइट टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस सीरम के बाद मॉइस्चराइजर भी अप्लाई कर सकते हैं। बट जो विटामिन सी प्लस सीरम है वो काफी ज्यादा थिक है, तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप सिर्फ और सिर्फ इस सीरम को ही इस्तेमाल करके सो सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई ड्राइनेस भी फील नहीं होगी। इन सीरम्स को मेन, विमेन, टीनेजर्स सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है सारे ही प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स है, एंड ऑल आर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, एंड ऑल द प्रोडक्ट्स आर मेड इन इंडिया ओनली। इनफैक्ट जो इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं सारे ही ऑल ओवर इंडिया से सोर्स किए जाते हैं। वाटर इज यूज फ्रॉम हिमालयन स्ट्रीम्स, प्रोडक्ट्स क्रुएल्टी फ्री है, पैकेजिंग भी इको फ्रेंडली है, एंड यू नो वॉट, उनके वर्कफोर्स में करेंटली इट कंसिस्ट ऑफ 80% ऑफ वुमेन। अब बात करते हैं कि इन सीरम्स की ऑथेंटिसिटी के ऊपर, आप किस तरीके से पता कर सकते हैं कि ये जेन्युइन या ऑथेंटिक है कि नहीं। तो इन सीरम्स के ऊपर आपको इस तरीके का एक QR कोड वाला स्टिकर मिलेगा। सो दैट्स अ QR कोड, आप किसी भी QR स्कैनर से इन स्टिकर्स को स्कैन कर सकते हैं, तो आपको प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी के बारे में खुद पता चलेगी। इनफैक्ट ऑन एवरी स्कैन यू कैन गेट पॉइंट्स टू रिडीम ऑन योर नेक्स्ट परचेज, और मैंने भी स्कैन किया है। मेरी जो कंक्लूजन है वो है कि आप अगर इन विटामिन सी सीरम्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगी कि आप विटामिन सी प्लस को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके कुछ ही थोड़ा सा ही प्राइस डिफरेंस है दोनों में, बट इसके अंदर आपको फेरुलिक एसिड मिलता है विच इज रियली बेनिफिशियल फॉर आवर स्किन। आप अगर इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको डिफरेंस नोटिस होगा, आपको चेंज नजर आएगा आपकी स्किन के ऊपर, कितना अच्छे से ये स्किन पर वर्क करता है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस विटामिन सी प्लस सीरम टू एवरीवन, क्योंकि ये सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा नॉन ऑयली, ऑयल फ्री है बिल्कुल, एंड काफी इजिली ये स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है। बट मेक श्योर आप इस सीरम्स को जब भी इस्तेमाल करें अपने फेस को अच्छे से क्लीन करके ही फिर इस्तेमाल करें। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।